नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर SMS के माध्यम से भेजे। 15 दिनों में शॉर्टलिस्ट युवाओं को सेवा में आने का विकल्प देना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बैठक में निगम की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों के लिए प्राप्त आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करते हुए 746 उम्मीदवारों को एक क्लिक से जॉब ऑफर लेटर SMS के माध्यम से भेजे। सीएम ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, HKRN में विभिन्न प्रकार के लालच देकर लोगों का काम हो रहा है, यह सरासर गलत है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से आग्रह किया कि HKRN में किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरह के लालच में न आए, क्योंकि निगम के तहत पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से सुव्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाकर ही युवाओं को अनुबंध के आधार पर रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। आज जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें लेवल 1 से लेवल 3 तक के पद शामिल हैं। इन पदों में सहायक लाइनमैन के सर्वाधिक 227, ड्राइवर ERV के 55, फायरमैन फायर ड्राइवर के 47, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 46, ब्लॉक क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के 42, ड्राइवर के 40 और JEE सिविल के 31, स्वीपर के 30, आयुष योग सहायक के 20, लिपिक के 15, लीगल असिस्टेंट के 11, अकाउंट्स क्लर्क के 7 पदों सहित अन्य विभिन्न पद शामिल हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मकरंद पांडुरंग ने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों में अनुबंध के आधार पर रखे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण के से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक ही छत के नीचे अनुबंध आधार पर कर्मचारी रखने की पहल करते हुए HKRN का गठन करवाया है। अब तक निगम के माध्यम से कई युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनका चयन ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से किया गया है। हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों को निरंतर सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हाल ही में उनके आवास स्थान संत कबीर कुटीर पर प्रमुख ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और विदेश सहयोग विभाग हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का उद्देश्य डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न जॉब रोल में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और ओयो जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच साझेदारी के माध्यम से राज्य सरकार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल सेट को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस MOU से न केवल राज्य के आर्थिक विकास में योगदान होगा, बल्कि कुशल मैन पावर के आदान प्रदान से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है और विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया होने से युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओयो कंपनी की मांग के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर पंजीकृत युवाओं का चयन किया जाएगा। उन्होंने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से जॉब रोल के अनुरूप स्केलिंग करवाई जाएगी और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा हो जाने के बाद युवाओं को विदेश भेजने की पूरी प्रक्रिया विदेश सहयोग विभाग द्वारा अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने हेतु हरियाणा सरकार ने अलग से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल भी बनाया हुआ है। इस पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौशल विकास के लिए प्रमुख सरकारी पहलों जैसे कौशल भारत और विश्वकर्मा योजना के सिद्धांतों और उद्देश्यों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के कौशल को बढ़ावा देना, उनके ज्ञान और अनुभव को व्यापक बनाना और आवश्यक उपकरणों से लैस करना है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सके। इस पूरे कार्यक्रम की अवधि के लिए इन छात्रों को भत्ता भी दिया जाएगा। ओयो और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी डेनमार्क जैसे देशों में ओयो के वेकेशन होम्स बिजनेस में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे, ताकि छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी से अवगत होने का मौका मिल सके।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद के तरीके ने पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के जमाने की याद दिला दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह ताऊ देवीलाल लोगों के बीच जाकर संवाद करते थे, उनकी समस्याएं सुनकर समाधान करते थे, उनसे दो कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल न केवल लोगों के काम करते हैं बल्कि अपनी सरकार की कमियों और संभावित सुधार के कार्यक्रमों पर भी खुलकर बातचीत करते हैं। अपनी सरकार की कमी और सुधार होने वाले कार्यक्रमों पर बात करने का साहस अगर किसी मुख्यमंत्री ने जुटाया है तो वो ताऊ मनोहर लाल हैं, जो अब तक पूरे प्रदेश में करीब एक दर्जन जिलों में जनसंवाद कर चुके हैं। 1966 से 2023 तक जब से हरियाणा बना है, सिर्फ दो मुख्यमंत्रियों ने जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। एक है ताऊ देवीलाल, जिनकी पहचान जननेता के रूप में बनी है, और दूसरे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता जनार्दन को अपना परिवार मानकर उनकी समस्याएं हल करते हैं। मनोहर लाल का जनसंवाद अनोखा है, इसमें ना फूल माला, ना ही बुके और ना ही राजनीतिक भाषण, एकदम पंचायत की तरह चौपाल में बैठकर मुख्यमंत्री एक सरपंच की तर्ज पर गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, बच्चों को जन्मदिन पर आशीर्वाद देते हैं, प्रमुख लोगों को उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री को बच्चों और लोगों के जन्मदिन के बारे में परिवार पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि से पता चलता है। मुख्यमंत्री जिस भी गांव में जाते हैं उनके पास परिवार पहचान पत्र में दर्ज सारी जानकारियों के आधार पर गांव की पूरी सूचना होती है। कई बार तो लोग यह तक कह देते हैं कि यह मनोहर लाल नहीं बल्कि जोशी है, जिसे उंगलियों पर सारी चीज पता है। एक तरफ कांग्रेस राज्य में अपनी सरकार बनाने को लेकर अति आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपनी अब तक की सरकार के जनहित के कार्यों, क्षेत्रवाद और भेदभाव और भ्रष्टाचार के खात्मे की वजह से तीसरी बार भी अपनी सरकार आने की पूरी उम्मीद है। मनोहर लाल ने गांव-गांव जाकर जनसंवाद स्थापित कर कुछ अपनी कहकर कुछ लोगों की सुनकर हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा खेल कर दिया है। जनसंवाद की खासियत ये है कि सीधे मुख्यमंत्री लोगों के बीच में खड़े होकर लोगों से पूछते हैं कि सरकार की कमी और सरकार की अच्छाई दोनों बताओ। सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली का समर्थन करते हुए सुनाई देते हैं तो आम लोग परिवार पहचान पत्र की खूबियां बताते हैं। योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां और ऑनलाइन तबादला नीति की भी लोग सराहना करते हैं। आज के इस दौर में जहां राजनीति सिर्फ सत्ता पाने और उसका दोहन करने का साधन बन गई है, मनोहर लाल लोगों से अपनी सरकार की कमियों को पूछ रहे हैं क्योंकि वे उन कार्यों को पूरा करना चाहते हैं जो रह गए हैं या फिर जिनमें लोग अभी भी सुधार चाहते हैं। पहले के मुख्यमंत्री सिर्फ आत्मबोध करने वाली बातों तक सीमित थे और मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी की राजनीति तक सीमित थे। सीएम मनोहर लाल हर कार्यक्रम में हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं। पहले भी कई मुख्यमंत्रियों ने जनसंवाद के नाम पर राजनीतिक कार्यक्रम किए और चलते बने, लेकिन पूरे पूरे दिन गांव के लोगों के बीच मनोहर लाल के अलावा दूसरा कोई नहीं था। लोगों के मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन, राशन कार्ड और आयुष्मान चिराग योजना कार्ड बनाए जा रहे हैं। वो से विषय पॉलिसी और कानून व्यवस्था से जुड़े सामने आए हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड मुख्यमंत्री कार्यालय में रखा जा रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में युवा आज मेरिट पर नौकरियों का जिक्र करते हैं, न कि बेरोजगारी का। पहले की सरकारों में राजनीतिक रसूख के और पैसे से नौकरी मिलती थी। विवाह शगुन योजना के पहले जो पहले दलाल होते थे, अब सीधे बेटी के खाते में जाते हैं। मुख्यमंत्री अपने जनसंवाद में उन बेटियों को भी सम्मानित करने का काम करते हैं जिनका जन्मदिन होता है। मुख्यमंत्री बताते हैं कि परिवार पहचान पत्र ही कमाल है कि आज 12,30,000 वांछित लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, योग्य थे, उनका कभी राशन कार्ड नहीं बना था, अब उनका राशन कार्ड ऑटोमेटिक बन चुका है। बैंक वाले उनके घर जा रहे हैं। गरीब जनता अपना अनुभव बताती है कि उन्होंने चिरायु आयुष्मान कार्ड का लाभ कैसे लिया। दिल का ऑपरेशन जिनका खर्चा 8 लाख रुपए बताया जाता है, वे चिरायु आयुष्मान कार्ड के कारण फ्री हुआ है, वरना कहां जीवन बचना था। ये सब मुख्यमंत्री के जनसंवाद और उनकी नीतियों का ही कमाल है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, जनता उनकी कार्यशैली की लगातार मुरीद बन रही है। जो ज्यादा नजदीक है वो ज्यादा नाराज है, क्योंकि क्रम बदल गया। कांग्रेस में वो खुश होते थे और जनता नाराज होती थी, उनके रिश्तेदार खुश होते थे, उनके नजदीक रहने वाले सब खुश होते थे, या उल्टा है, वहां उनसे जनता नाराज होती थी, यहां जनता राजी है और जो नजदीक रहने वाले, क्योंकि नजदीक रहने वाले को लगता है कि अच्छा मेरा रिश्तेदार, मेरा किसी का मैं मामा लगता हूं, किसी का चाचा लगता हूं, किसी का ताऊ लगता हूं, वो सब कहते हैं मेरा ताऊ मुख्यमंत्री और मेरा ये एक बेटा मेरी नौकरी नहीं लग रहा। वो कहते हैं मेरा मामा मुख्यमंत्री और हमारा ये बच्चा नौकरी नहीं लग रहा, तो नाराज होंगे ना। मैं कहता हूं भाई देखो ये लाइन लगी हुई है, इस लाइन में चल पड़ो, आपका बच्चा आगे आ जाएगा जरूर लगेगा। ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों के बच्चे लग नहीं सकते, लग सकते हैं, लेकिन लगेंगे कैसे, नियम एक ही है।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।